शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय शिविर का किया आयोजन। माध्यमिक विभाग के शिक्षक ले रहे हैं लाभ। दमन शिक्षा निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक विभाग के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दमन की सार्वजनिक विद्यालय स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम का लाभ दमन की विभिन्न स्कूलों के माध्यमिक विभाग के 70 से 80 शिक्षकों ने लिया। गांधीनगर से आए 7 विशेषज्ञ शिक्षकों ने छात्रों को सरलता से कैसे पढ़ाया जाए उस पर शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। यह प्रशिक्षण शिविर 26 से 30 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ शिक्षकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जिससे प्रदेश के छात्रों को अच्छा परिणाम प्राप्त करने में सहूलियत होगी। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक चिमन भाई पटेल, शिक्षा अधिकारी नरेंद्र भंडारी, परियार स्कूल के प्राचार्य कीर्तिदा पाठक, वरकुंड के शिक्षक त्रिवेदी सर समेत के अन्यों की उपस्थिति रही। जो होई है, तो एना मंडल को एना मर्दी अंदर जो सरस मजारो 5 दिवस माटे जो भूला रूतो है, अरे भूला रूतो कोई रंगाव ना मारतो है, तो पची एनो कोई अर्थ नथी रहे। आ तो जीनो जीनो भूला रूतो है, तमने खबर पण ना पड़े, तमे केवरे रंगाई जा। एटलो सरस लागे मने के जे गुजरात बोर्ड थी जे कहवा मांगे आ मजा आवे छे, तो अत्यारे मने सार्वजनिक विद्यालय दमण में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आयोजित संघ प्रदेश दमण और दीव के माध्यम से आज से 5 दिन की इन सर्विस शिक्षा का तालीम का यहाँ पर आयोजन हुआ है। इसमें गुजरात बोर्ड से 7 एक्सपर्ट्स की टीम स्पेशल गांधीनगर से बोर्ड द्वारा भेजी गई है, जिसमें दमण विभाग की जो माध्यमिक स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के टीचर्स को 5 दिन के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, अपने विषय को किस तरह ज़्यादा अर्थ सबर बनाया जाए और विद्यार्थियों को सरलता से उस विषय को समझाया जा सके, ऐसी पद्धति इसमें 5 दिन के लिए शिक्षकों को सिखाई जाएगी, जो विद्यार्थियों को अपना विषय सीखने में बहुत मदद रूप बनेगी। साथ में उनकी वैल्यूज़, मूल्य और स्किल्स किस तरह डेवलप कर सकते हैं हम अपने विषय के साथ, इन चीज़ों को भी इस तालीम के दरमियान 5 दिन हम सिखाएंगे। और गुजरात में जो नई सिस्टम डेवलप की है इवेल्यूशन की, जिसको हम स्कूल बेस्ड कॉम्प्रेंसिव इवेल्यूशन कहते हैं, उस इवेल्यूशन सिस्टम के माध्यम से यहाँ के शिक्षकों के साथ हम 5 दिवसीय वर्कशॉप में काम करेंगे और उनको नए आइडियाज़ किस तरह हम अपने विषय को सरलता से बच्चों तक ले जाएं और बच्चों को उस विषय में ज़्यादा रस पड़ने लगे, उस माध्यम से हम उस विषय को सिखाने के लिए 5 दिन की ये तालीम का आयोजन किया है। मैं दमण विभाग के शिक्षा विभाग को आज स्पेशली थैंक्स कहूँगा कि हमें गुजरात बोर्ड से यहाँ तक आमंत्रित किया और हमें 5 दिन यहाँ दमण विभाग के शिक्षकों के साथ मिलने का हमें मौका दिया है। और ख़ासकर माध्यमिक विभाग में जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट इम्प्रूव कैसे हो, हर विषय में बच्चा कम से कम न्यूनतम लेवल तक, जो 35% का हमारा लेवल है उस तक तो पहुँचे, और जो लर्निंग गैप्स होती हैं एजुकेशन, वो लर्निंग गैप्स को बच्चों को किस तरह हम दूर कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों पर, इन्हीं सब पद्धतियों पर हम विचार विमर्श करेंगे। और हमारे गुजरात के डिफरेंट सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर के साथ अलग बैठकर उनके साथ परामर्शन, प्रोजेक्ट और लर्निंग विद डूइंग, लर्निंग डूइंग के साथ, सीखना है तो काम करके सीखना है, उस विषय पर हम भार देंगे। और आने वाले जो समय है उसमें अब एक्टिविटी को ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। हमें रोट मेमोराइजेशन में, जिसे हम कहेंगे कि गोखंड पट्टी गुजराती में कहते हैं, उसमें से बाहर निकलना है और बच्चे को स्किल बेस्ड बनाना है, उसके अंदर कौशल्य डेवलप हो, माध्यमिक कक्षा से ही उसके अंदर कौशल्य डेवलप हो। इस तरह क्लास में हमारे शिक्षक अपना अध्यापन कार्य अपने विषय का करें, उस पर हम यहाँ पर तालीम में शिक्षकों के साथ अपना जो ऑब्जेक्ट है, हमारा हेतु है, उसे हम साकारित करेंगे। और ये 5 दिन 30 दिसंबर तक ये तालीम सार्वजनिक विद्यालय दमण में चलेगी। मेरे साथ मैं आरपी जैन, ये पूरे विशेषज्ञ टीम का एक्सपर्ट कन्वीनर हूँ, और उनके साथ मैं वैल्यू बेस्ड, स्किल बेस्ड और स्कूल बेस्ड कॉम्प्रेंस एवेल्यूशन पर मैं अपनी बात रखूँगा। मेरे साथ गुजराती विषय के विशेषज्ञ श्री रणवीर सिंह जी हैं,
मेरे साथ अंग्रेजी विषय के विशेषज्ञ श्री लिम्बछिया जी हैं, मेरे साथ गणित विज्ञान और संस्कृत के साथ साथ हमारे साथ साथ सामाजिक विज्ञान के विषय तज्ञ भी हमारे साथ हैं, और वो सब गुजरात से स्पेशल जो पूरे गुजरात में अपना की रिसोर्स पर्सन की भूमिका अदा करते हैं, उनको गुजरात बोर्ड ने यहाँ दमन के शिक्षकों के साथ काम करने के लिए भेजा।